यह बात कई साल पुरानी है। रमेश नाम का एक लड़का था जो भूतों पे विश्वास नहीं करता था। उनका मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते, मगर एक हादसे के बाद उसकी यह सोच पूरी तरीके से बदल गई। रमेश गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव गया हुआ था। जब पहले रमेश अपने गांव जाता था तो वहां पर वह अपनी छुट्टियां आराम से मनाता और वापस आ जाता था, मगर इस बार जब अपने गांव छुट्टियां मनाने के लिए गया तो वहां जाकर पता चला कि इस गांव में सर कटा हुआ एक भूत घूमता रहता है। खैर, रमेश ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि उसके घर वाले उसे बाहर घूमने नहीं देना चाहते, इस कारण ये अफवाह फैला रहे हैं। एक दिन दोपहर के समय गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह गांव की बगीचे की ओर चल गया। बगीचे में एक बहुत बड़ा तालाब था। रमेश वहीं बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी, तभी उसके पास कोई आकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। रमेश भी आधी नींद में उस आदमी से बात करने लगा। बातों ही बातों में उस आदमी ने रमेश का सारा अतीत उसे बता दिया। अपना अतीत किसी गांव के आदमी से सुनके रमेश की थोड़ी सी नींद खुली और उसने सामने बैठे आदमी की ओर देखा तो रमेश के होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी का सर था ही नहीं। एक ही झटके में उसकी नींद उड़ गई और उसकी आंखें खुल गई। तब तक वह आदमी भी वहां से गायब हो गया था। रमेश सीधा भागकर अपने घर आया और शाम को रमेश की तबीयत भी खराब हो गई। रमेश बहुत बीमार पड़ गया। जब रमेश के घर वालों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो रमेश ने सारा किस्सा घर वालों की बता दिया। उसके घर वाले पास के ही गांव से एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसका झाड़ फूंक किया तब जाके रमेश की तबीयत में सुधार हुआ। उस घटना को सोचकर वह आज भी डर जाता है।